Let's improve English. बाप पे क्यों जा रहे हो दोस्तों? इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, व्हाई आर यू ड्रैगिंग माय डैड इनटू दिस, व्हाई आर यू ड्रैगिंग माय डैड इनटू दिस। कोई झगड़े में, गुस्से में ऐसे कहने लगता है ना, तेरे बाप को क्या जा रहा है, या फिर तेरे बाप ने भी देखा है कभी ऐसा, बाप पे क्यों जा रहे हो? तब हम ऐसे कहते हैं, व्हाई आर यू ड्रैगिंग माय डैड इनटू दिस। फ्रेंड्स, इसी तरह के कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ ऐसी बातें हिंदी में जो अक्सर लोग करते हैं, उन इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको इसका बताया। मैं तुझे यही पटक पटक के मारूंगा, यही पटक पटक के मारूंगा। इंग्लिश में कह सकते हैं, आई विल बैश यू राइट हेयर, आई विल डैक यू राइट हेयर। यानी यहाँ पर आप बैश या फिर डैक, इनमें से किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है, पटक के बहुत जोर से मारूंगा, आई विल बैश यू राइट हेयर, आई विल डैक यू राइट हेयर। जैसे दोबारा वैसा कहा ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। दोस्तों, इस तरीके से हिंदी में कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं, इफ यू से दैट अगेन, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। दिस इज एन idiom. If someone beats someone else black and blue, इसका मतलब वो उसे बहुत जोर से पीटता है, एकदम बहुत ज्यादा। तो हिंदी में जब हम कहते हैं ना, चमड़ी उधेड़ दूंगा, अगर इसके मीनिंग पे देखें तो सच में कोई चमड़ी थोड़ी उधेड़ता है, मतलब बहुत जोर से मारता है। तो इंग्लिश में एक idiom होता है, टू बीट someone ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत ज्यादा मारना, लाल पीला कर देना, मार मार के। इफ यू से दैट अगेन, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, यानी काफी दिनों से मैं बहुत चिंता में हूं, रातों में नींद नहीं आ रही। आई हैव हैड मैनी स्लीपलेस नाइट्स रिसेंटली, आई हैव हैड मैनी स्लीपलेस नाइट्स रिसेंटली। रिसेंटली क्यों लगाया? कि जब हम ऐसे कहते हैं कि रातों की नींद आराम हो गई है, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा से ही हो रखा है, ऐसा कभी नींद नहीं आती। अभी यही मतलब होगा ना इसका, कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। सो आई हैव हैड मैनी स्लीपलेस नाइट्स रिसेंटली। आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूवर ने पूछा कि इसे कैसे कह सकते हैं इंग्लिश में, तो इसे कह सकते हैं, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। हार्ड वर्क है तो इज, एफर्ट्स है तो आर, प्रीटी सिंपल। योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ, सो पे ऑफ। इफ समथिंग इज पेइंग ऑफ, दैट मींस इट्स बीइंग सक्सेसफुल एंड यू आर रीपिंग बेनिफिट्स। तो पे ऑफ, एक पे ऑफ का मतलब ये भी होता है, अगर आप कहते हो आई हैव पेड ऑफ ऑल माई डेट्स, इसका मतलब मैंने अपने सारे कर्जे चुका दिए, पूरा पूरा एकदम पैसा चुका दिया है। नाउ आई डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन, तो इस तरीके से भी इसका यूज होता है। और पे ऑफ का मतलब होता है कोई चीज सक्सेसफुल हो रही है, जैसे यहाँ पे योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। आप मेरे लिए एक वरदान हो, तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी, या आप बून भी कह सकते हैं। हालांकि बून का यूज हम ज्यादातर चीजों के लिए करते हैं, इंसानों के लिए नहीं, तो ब्लेसिंग ज्यादा सही रहेगा, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप इनके इंग्लिश बताइए। ये फोन तो मेरे लिए एक वरदान है, वो बस मेरे लिए वरदान साबित हुई, बिजली हमारे लिए एक वरदान है। तो इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में बून का यूज कर सकते हैं, दिस फोन इज अ बून फॉर मी, दिस फोन इज अ बून फॉर मी। और फ्रेंड्स, बून के बाद आप फॉर या फिर टू, किसी भी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। दिस फोन इज अ बून फॉर मी, वो बस मेरे लिए वरदान साबित हुई। कोई बस नहीं मिल रही थी मुझे, मैं फंसा हुआ था वहां पे, एक बस आई, मैं घर पहुंच गया, वरदान साबित हुई। दैट बस प्रूव टू बी अ बून फॉर मी, दैट बस प्रूव टू बी अ बून फॉर मी। बिजली हमारे लिए एक वरदान है, ऑब्वियस ही बात है, सच में ही ऐसा है, बिजली हमारे लिए एक वरदान है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ बून टू अस, इलेक्ट्रिसिटी इज अ बून टू अस। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने टू का भी यूज कर लिया, कहीं टू प्रेपोजिशन बुरा ना मान जाए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको भी लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम सबके लिए बून है। वह आदत से लाचार है, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो, आपने पूछा। तो इन बातों के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? वो आदत से लाचार है, आदत से मजबूर है, कह सकते हैं ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट, ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। उसकी कोई आदत है बुरी, उससे वो कंपेल्ड है, उससे मजबूर है।
फ्रेंड्स आप फोर्स ऑफ हैबिट का भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, ही डज इट फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, ही डज इट फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, मतलब वो कुछ करता है, मैं कह रहा हूँ वो करने से वो रुक नहीं सकता है, अपने आप को रोक नहीं सकता है, ये काम वो आदत से लाचार होकर करता है, ही डज इट फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो, मतलब आदतें बदल नहीं रहे हो, ये कहने का मतलब होता है ना, तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर हैबिट्स, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर हैबिट्स। इसके जगह पे आप कह सकते हो यू आर नॉट ट्राइंग टू चेंज योर हैबिट्स, यू आर नॉट ट्राइंग टू किक योर हैबिट्स और ब्रेक योर हैबिट्स। आप इनमें से किसी भी तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि तुम अपनी आदतों से बाजी नहीं आ रहे हो। उसे चाहिए मेरा प्यार, टाइम, फलाना ढिमकाना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कई बार हम कहते हैं फलाना ढिमकाना, ऐसे हम जब कहते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं, छोड़ो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, तो इसके लिए इंग्लिश में हम ब्ला ब्ला करके कहते हैं, She wants my love, time, blah blah blah, इस टाइप से। तो blah blah यानी unimportant things है, तो unimportant things की जब बात होती है तो हमें लगता है बस ये फालतू की चीज़ें हैं, फलाना ढिमकाना blah blah blah। जैसे मुझे नहीं पसंद ये बर्गर समोसा फलाना ढिमकाना, कहेंगे I don't like burgers, samosas, blah blah blah, मुझे ये सब नहीं पसंद। जो भी ये कह रहा होता है वो मुझे तो लगता है झूठी कह रहा होता है, क्योंकि समोसे और बर्गर तो यार किसको नहीं पसंद है ना, आपको क्या लगता है? पर फिर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। बट बाय गॉड क्या मस्त लगता है, मुझे नहीं पसंद ये बर्गर समोसा फलाना ढिमकाना, दिस इज़ जस्ट अ सेंटेंस, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बर्गर और समोसे बहुत पसंद है। आप बताना आपको क्या पसंद है। आई डोंट लाइक बर्गर समोसेज ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स जस्ट अ सेंटेंस। मामला कितना गंभीर है तुम ये नहीं देख रहे, तो कोई कोई बहुत सीरियस होता ही नहीं है, मजाक के मूड में रहता है, तो हम कहते हैं मामला कितना गंभीर है नहीं देख रहे। यू आर नॉट लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यू आर नॉट लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। वैसे तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ग्रेविटी, आपने साइंस में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, यानी ऐसी कोई फोर्स होती है जो हमें मजबूर करती है कि हम धरती की तरफ आकर्षित होके आते हैं, कोई भी चीज़ धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ग्रेविटी होती है। और फ्रेंड्स वैसे ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की, तो उसे भी ग्रेविटी कहते हैं, किसी सिचुएशन की सीरियसनेस ग्रेविटी कहलाती है। सो यू आर नॉट लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, तो एक वो ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी का यूज़ इस तरह से भी होता है। स्पेस में भी हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेविटी कहलाती है ये फोर्स जो होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने शायद पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं, कमाल कमाल की बातों की इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं, अपने कॉन्वर्सेशंस को बेटर बनाना चाहते हैं, आपको बताइए मैं क्या कहने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जो फ्रेंड्स सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.